हाय मेरे प्यारे व्यूवर्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आज मैं जा रही हूँ अपने मायके। तो यहाँ पर बेबी पहली बार नानी हाउस जा रहा है, और काफ़ी लंबे टाइम के बाद हम जा रहे हैं नानी हाउस बेबी के, यानी कि मैं अपने मायके बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम के बाद जा रही हूँ। 1 ईयर कम्प्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं स्टेशन पर, और अभी ट्रेन का वेट कर रहे हैं। ट्रेन आने वाली है। तो जैसे ही ट्रेन आती है, हम ट्रेन में बैठेंगे। यहाँ पर परी है मेरे साथ, और मेरे हस्बैंड हैं, और बेबी है, और यहाँ पर मेरा सामान रखा हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर हम ट्रेन आ चुकी थी, ट्रेन में बैठ चुके हैं। अब यहाँ से शुरू हो चुका है हमारा सफ़र। तो घर पर जाकर बाकी का व्लॉग शूट करूँगी, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग ये कैसा लगा। मैं आपके साथ में पूरा व्लॉग शेयर करने वाली हूँ अपने मायके का। मैं कहाँ कहाँ जाऊँगी, कहाँ घूमूंगी, तो सभी बहुत अच्छी जर्नी रहेगी, क्योंकि इतने दिनों बाद मायके जब जाते हैं, आप सब जानते ही होंगे। आई होप कि कितनी खुशी होती है जब हम इतने दिन बाद मायके जाते हैं। तो जैसे मैंने बेबी कंसीव किया था, उसके बाद मैं मायके नहीं गई थी। मैंने आपके साथ में ये वीडियो शेयर किया था कि मैं प्रेगनेंसी कन्फर्म होने के बाद मायके नहीं जा पाई थी, क्योंकि कुछ रीज़न और कुछ चीज़ें थी ऐसी जिसकी वजह से मुझे ट्रेवल नहीं करना था। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं। चलिए, अब जैसे ही घर पहुँचेंगे, फिर मैं बाकी का वीडियो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो ये देखिए, थोड़ा सा व्यू बाहर का आपको दिखा देती हूँ। मौसम बहुत ही ज़्यादा सुहाना हो रहा था जिस दिन हम जाने के लिए निकले ट्रेन में, तो बहुत ही हल्की हल्की सी धीमे धीमे बारिश हो रही थी, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये बाहर का व्यू है, आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया हमने। तो ये सफ़र भी बहुत अच्छा रहा, क्योंकि हमारी फैमिली में देखा जाए तो अब काफ़ी टाइम के बाद सेकंड बेबी आया है, और इतनी लंबी इनफर्टिलिटी फेस करने के बाद सेकंड बेबी आया है, उसके बाद हम फर्स्ट टाइम में मायके जा रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा खुशी है मुझे। चलिए, बाकी का वीडियो आगे शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर हम स्टेशन पर आ चुके हैं, तो फाइनली हमने सफ़र कम्प्लीट कर लिया है अपना। तो हम उतर चुके हैं स्टेशन पर, और मैं आ चुकी हूँ अपने मायके। तो ये देखिए, बेबी मेरी गोद में है, बेबी ने ट्रेवल किया है। बेबी बीच में ज़्यादा परेशान नहीं किया है, क्योंकि जैसे बच्चे रोते हैं, इस तरह ना ही बेबी ने कोई परेशान किया है, ना ही बेबी रोया है। उसका भी सफ़र बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छे से उसने। फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने घर पर, और अब हमने नाश्ता कर लिया है ब्रेकफास्ट से फ्री होकर। अब हम यहाँ पर बैठे हैं, और अब चल रही है यहाँ पर खाने की तैयारी। हम आपके साथ में सब शेयर करूँगी। बेबी भी सो गया है, और आइए आपको मिलाती हूँ मैं मोइज़ से। ये देखिए, कितना क्यूट बेबी है ये। ये मेरी उससे छोटी जो सिस्टर है, उनका बेटा है। हाय करो मोइज़। हाय। देखिए, ये है मोइज़। तो हम इनके घर पर भी जाएंगे, फिर मैं आप सबको इनसे भी मिलवाऊंगी, अपनी छोटी सिस्टर से भी मैंने आपको मिलवाना है। तो जैसे यहाँ पर आकर हम सभी जगह घूमेंगे, तो मैं सारे ही व्लॉग शूट करके आपके साथ में शेयर करूँगी। चलिए, तो अब खाने की तैयारी हो चुकी है, जल्दी से अब हम खाना खा लेते हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना ये व्लॉग आपको कैसा लगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि मैंने आने वाली नोटिफिकेशन वीडियो की आपको मिलती रहे, और मेरे व्लॉग और मेरी वीडियोस आप तक ज़रूर पहुँचे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड।